नमस्ते स्टूडेंट्स, मैं नवी मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग संचालित राजश्री छत्रपति शाहू महाराज विद्यालय शाला क्रमांक 104 से कक्षा 10वीं माध्यम हिंदी विषय गणित भाग एक प्रकरण क्रमांक 1 दो चरांक वाले रेखीय समीकरण हल करने की पद्धतियाँ सीख रहे थे। उसमें से दो पद्धतियाँ हमने सीखी है, पढ़ी है। अभी हम तीसरी विधि सीखते हैं, दो चरांक वाले रेखीय समीकरण कैसे हल करेंगे इस विधि से वो सीखते हैं। वो विधि है, दोनों चरांक के तिरछे गुणांक समान रहने पर कैसे हल करना है। तो इस विधि में हमको ये ध्यान में रखना है, उसका जो नियम है वो नियम जो रूल्स है वो ध्यान में रखना है। वो रूल्स है ए एस ए, ए मतलब एडिशन, एस मतलब सब्ट्रैक्शन, ए मतलब एडिशन, मतलब ए का जोड़, एस का घटा और ए का जोड़। इस तरह से ये पद्धति को हमको उपयोग में लाना है, जोड़ घटाओ जोड़। तो ये देखते हैं, एक उदाहरण लेके एक उदाहरण लेते हैं। जैसे 49x माइनस 57y बराबर 172, दूसरा समीकरण है 57x माइनस 49y बराबर 252। तो ये दो समीकरण हमको दिया, ये दोनों को एक के नीचे एक लिखने का है। जिस तरह से लिखेंगे, जैसे हमने लिखा 49x माइनस 57y बराबर 172 समीकरण एक, 57x माइनस 47y इक्वल टू 252, इस तरह से लिखा। अभी और नियम यूज़ करने का है, तो इस समीकरण एक तथा समीकरण दो का पहले जोड़ करना है। तो हम लोग इसको जोड़ेंगे, तो इसको भी हम लोग एक के नीचे एक लिखेंगे और प्लस का साइन देंगे। ये हो गया खाली दर्शाने के लिए। बाद में चिन्ह का नियम हम यूज़ करेंगे, अलग अलग चिन्ह रहेगा तो हमको घटाना है और समान चिन्ह रहेगा तो जोड़ना है। इस तरह से इस समीकरण में 49x और 57x इस दोनों का समान चिन्ह है, तो इसका हम जोड़ करेंगे, ये आ जाएगा 106x। यहाँ पर भी माइनस माइनस चिन्ह है, इसका भी जोड़ करेंगे माइनस देके, तो इसका जोड़ आ गया 106y इक्वल टू, इसका भी समान चिन्ह है तो इसका भी हम जोड़ करेंगे, तो ये आ गया 424। तो अभी 106 दोनों कॉमन है। इस 106 से 424 को डिवाइड करेंगे तो 4 आता है। इसके लिए समीकरण तीसरा हो गया x माइनस वाई बराबर 4। तो जोड़ करने से तीसरा समीकरण हमको मिल गया। अभी फिर से समीकरण एक तथा दो को घटाना है दूसरा, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे समीकरण एक तथा दो को घटाने पर। तो समीकरण एक तथा दो एक के नीचे एक लिखेंगे इस तरह, और दर्शाने के लिए घटाव कर रहे हैं हम लोग, इसके लिए माइनस साइन यहाँ पर देने का। जब माइनस साइन देंगे तभी नीचे के समीकरण का चिन्ह बदल देने का। तो 57 का पहले प्लस है, इसका माइनस किया, 49y का माइनस है यहाँ पे प्लस किया, और 252 का प्लस है यहाँ पे माइनस किया। इस तरह से हम जब घटाव करेंगे चिन्ह माइनस देंगे यहाँ पर, तो नीचे के समीकरण का साइन बदल देना है। तो हमने यहाँ पे बदल दिया। अभी 49x और 57x ये दोनों का जो चिन्ह है अलग अलग है, इसके लिए इसको चिन्ह का नियम यूज करेंगे, घटाना पड़ेगा। तो 57x से 49x घटाने पर हमको मिल गया माइनस 8x। इधर भी देखिए माइनस 57y, इसका चिन्ह माइनस
और 49y का प्लस इसके लिए अलग अलग है, इसको भी घटाना पड़ेगा, तो हमने घटाया तो 8y हो गया, और बड़े नंबर का साइन वो माइनस। इधर भी देखिए 172 का प्लस है और 252 का माइनस है, तो यहाँ पे भी अलग अलग चिन्ह हो गए, इसके लिए इसको भी हमको घटाना पड़ेगा, 252 से 172 वो आ गया 80। इस तरह से, और बड़े नंबर का साइन यहाँ पर देंगे तो -80 हो गया। तो समीकरण हमको मिल गया -8x - 8y = 80। अभी 8 8 इधर है, 8 से हम लोग सबको डिवाइड करेंगे, तो चौथा समीकरण हमें मिल गया -x - y = -10। अभी हम क्या करेंगे, जो भी समीकरण हमको जोड़ करने पर बाद में घटाव करने पर मिले हैं उसका भी हम ही जोड़ करेंगे, मतलब जोड़ घटाव जोड़। इस तरह से अभी इसको समीकरण 3 और 4 को जोड़ने पर, तो जोड़ने पर बोला तो प्लस का साइन देंगे और चिन्ह का नियम अभी अप्लाई करेंगे। तो एक्स का चिन्ह पहले समीकरण तीसरे समीकरण में प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो अलग अलग चिन्ह है, उसको घटाना पड़ेगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। वाई का चिन्ह इधर भी माइनस है, इधर भी माइनस है, दोनों माइनस है, इसके लिए उसको जोड़ करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा -2y। और 4 का चिन्ह प्लस है और 10 का माइनस है, इसको इसके लिए उसको घटाना पड़ेगा, और बड़े नंबर का साइन 10 में से 4 गया तो 6, बड़े नंबर का साइन माइनस, तो हमको मिला -2y = -6। अभी ये -2 जो गुणांक है -6 के बटे में जाएगा, तो ये हो जाएगा y = -6/-2। तो y का मान हमको मिला y = 3, क्योंकि ये ऊपर का माइनस और नीचे का माइनस कैंसिल हो जाएगा। अभी ये y का मान जो 3 मिला, ये कोई भी समीकरण में डाल दो, जो भी इजी लगता है उस समीकरण में, कोई भी समीकरण में डालेगा तो चलेगा, ऐसा कुछ नहीं, कोई भी समीकरण में रख दो। हमने 3 में रखा, तो 3 जो समीकरण है कौन सा है, x - y = 4 है, तो हमने y के जगह पर 3 रख दिया, तो x - 3 = 4 हो गया। तो अभी ये जो -3 है लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में जाएगा तो प्लस हो जाएगा, इसके लिए x = 4 + 3, तो x का मान हो गया 7। इस तरह से ये जो पद्धति है, तीसरी पद्धति, 6 गुना समान रहने पर हम लोग जोड़ घटाओ जोड़ ये नियम यूज़ करके हल कर सकते हैं, बहुत आसान पद्धति है। और एक उदाहरण देखते हैं ताकि आपको ये समझ में आएगा, तो नियम आपको ध्यान में आया रहेगा, इसमें आपको यह वाला नियम ध्यान में रखना है, जोड़ घटाओ जोड़ ASA। तो दूसरा एक उदाहरण लेंगे, 5x + 4y = 14 और 4x + 5y = 13। अब ये दो समीकरण एक के नीचे एक लिखेंगे, हमने यहाँ पर लिखा 5x + 4y = 14, 5x + 4y = 14 ये एक समीकरण हो गया। दूसरा समीकरण 4x + 5y = 13, इस तरह से दो समीकरण में एक के नीचे एक लिखा। पहला क्या नियम है, ये समीकरण एक तथा दो का जोड़ करेंगे, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर समीकरण एक तथा दो को जोड़ करने पर, तो एक के नीचे एक लिखेंगे, दर्शाने के लिए प्लस का साइन देंगे और चिन्ह का नियम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे एक्स का साइन दोनों का प्लस है, जोड़ करेंगे 9x हो गया, इसका भी दोनों का वाई का प्लस है, इसका भी जोड़ करेंगे, और 14 और 13 का भी समान चिन्ह है, इसका भी जोड़ करेंगे, तो हमको मिला 9x + 9y = 27। 9 से भाग जा रहा है सबको, तो भाग देंगे, तो 9 से हमने भाग दिया, तो यहाँ पे x बचा, यहाँ पे
वाई बचा और 9 से 27 को भाग दिया तो 3 आया, तो समीकरण तीसरा हमको मिला एक्स प्लस वाई बराबर 3। अभी दूसरा नियम यूज़ करेंगे, दूसरा क्या है, घटाव करना है, तो समीकरण 1 तथा 2 को ही घटाव करेंगे, तो वो समीकरण हम एक के नीचे एक लिखेंगे, एक समीकरण 1 तथा समीकरण 2 एक के नीचे एक, और घटाव करने पर हम लोग दर्शाने के लिए साइन माइनस देंगे। साइन माइनस दे दिया कि नीचे के समीकरण का चिन्ह बदलना होता है, तो हम लोगों को इस तरह से इनका साइन बदल देना है। तो नीचे के 4x का साइन प्लस है माइनस किया, और नीचे के 5y का चिन्ह प्लस है उसका माइनस किया, और 13 का चिन्ह प्लस है माइनस किया। इस तरह से हमने नीचे के समीकरण का चिन्ह बदल दिया। अभी चिन्ह का नियम उपयोग में लाने का, यूज़ करने का है। तो ये चिन्ह भिन्न हो गया इधर, इसके लिए इसका घटाव करना पड़ेगा। 5x में से 4x गया तो x बड़े नंबर का साइन प्लस, तो प्लस नहीं लिखेंगे। यहाँ पे भी 5y में से 4y गया तो y बचा और बड़े नंबर का साइन माइनस, तो माइनस दिया। इक्वल टू, यहाँ पे भी भिन्न चिन्ह है, तो 14 में से 13 गया तो 1 और 14 का चिन्ह प्लस है, तो प्लस यहाँ पे नहीं लिखेंगे, आएगा 1। तो x माइनस वाई बराबर 1, ये हो गया चौथा समीकरण। अभी क्या करना है, समीकरण 3 और 4 का जोड़ करना है। जो भी समीकरण हमको ये मिले हैं, ये समीकरण का जोड़ करेंगे, तो हम लिखेंगे समीकरण 3 तथा 4 को जोड़ करने पर। तो हम लोग यहाँ पे जोड़ करेंगे, तो समीकरण 1 के नीचे 1 लिखेंगे, 3 4, तो जोड़ करते हैं, तो हम लोग प्लस का साइन दर्शाने के लिए लिखते हैं, और चिन्ह का नियम हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे x का साइन दोनों का प्लस है, तो इसका जोड़ करो, 1 प्लस 1 2x हो गया, और ये अलग अलग ये कैंसिल हो जाएगा, और इसका 3 और 1 का भी चिन्ह समान है, इसके लिए हम इसका भी जोड़ करेंगे, तो ये हो गया 2x इक्वल टू 4। अभी ये 2 गुणांक x का 4 के बेटे में जाएगा, तो x बराबर 4/2 हो जाएगा, तो x का मान हमको मिला 2। इस तरह से x का मान 2 समीकरण 3 में रखेंगे, क्योंकि 3 हमको इजी लगता है, आसान लगता है, इसके लिए उसमें हम लोग डालेंगे। आप कोई भी समीकरण में डाल सकते हैं, इसका मान नहीं बदलता है। हम लोग आसान समीकरण में डालते हैं, x प्लस वाई बराबर 3। तो ये हमने x के जगह पर 2 डाला, प्लस y वैसा ही बराबर 3 वैसा ही। अभी ये 2 जो है लेफ्ट हैंड साइड में है, तो राइट हैंड साइड में हम ट्रांसफ़र करेंगे, तो इसका साइन प्लस इधर माइनस हो जाएगा, तो ये हो गया y बराबर 3 माइनस 2, तो y का मान हमको मिला 1। तो इस तरह से हम लोगों को अगर समीकरण में तिरछे गुणांक समान दिए रहेंगे, तो हमको जोड़ घटाव जोड़ ये पद्धति का उपयोग करना है, बहुत आसान हो जाएगा। कोई भी पद्धति से हल आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन उसको बड़े नंबर रहते हैं, इसके लिए गुना करने में तकलीफ हो जाता है। इसके लिए तिरछे गुणांक समान रहेंगे, तो जोड़ घटाव जोड़ यही पद्धति का उपयोग करेंगे। तो मुझे लगता है ये पद्धति आपको बहुत आसान लगी होगी, समझ में आ ही रही होगी। तो अभी नेक्स्ट वीडियो में हम आलेख पद्धति सीखेंगे। आलेख पद्धति के लिए आपको आलेख लाना पड़ेगा, आलेख आपके पास रखना पड़ेगा, ताकि वो आलेख निकालने के लिए आपको तकलीफ़ नहीं होएगा। तो आप आलेख निकालने के लिए आलेख कॉपी रखिए, पेंसिल पट्टी रखिए, उससे आपको आलेख पद्धति से 2 चरांक वाले रेखीय समीकरण कैसे हल कर सकते हैं, ये हम लोग सीखेंगे। धन्यवाद।